गेट खुलेगा इसका मतलब राजभाग मिल चुका है गेट में जाने वालों के लिए। सर पैकिंग होनी है और साक्षात्कार होता है बंद आंखों का भक्तों को। जो ज्ञानी बच्चे हैं उनकी आंखें बंद होगी कि और ही तीसरा नेत्र खुल जाता है, उनका तो और ही बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाता है, उन्हें भक्ति मार्ग के साक्षात्कार की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग का साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को होता रहा, मीरा को भी हुआ, परंतु उनको क्या प्रैक्टिकल में स्वर्ग मिल गया? नरक में ही जन्म लेते रहे। परंतु यहाँ तो प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना होती है बुद्धि के साक्षात्कार के आधार पर या बंधाकों के साक्षात्कार के आधार पर। बुद्धि का साक्षात्कार होता है तो बुद्धि से ही परिवर्तन होता है, मन बुद्धि रूपी आत्मा का ही परिवर्तन होना है। बात ब्रह्मा बाबा की हो रही है, लास्ट नारायण की हो रही है? हाँ तो फिर लास्ट नारायण कहाँ से कूद गया है? ब्रह्मा बाबा का शरीर नहीं है तो लास्ट नारायण का शरीर है क्या? लास्ट नारायण जब जीवित था तो इस समय लास्ट नारायण जीवित था उस समय ब्रह्मा बाबा भी तो जीवित नहीं था क्या?
कहाँ लिखा है? नारायण की पवित्रता और सतयुग के फर्स्ट नारायण की पवित्रता में तो कितना भारी अंतर है। ये ब्रह्मा बाबा के निश्चय निश्चय की बात हुई या लास्ट नारायण की निश्चय निश्चय की बात हुई? हाँ, लास्ट नारायण को जब निश्चय होगा तो उसमें प्योरिटी होगी या अनिश्चय होगा तो भी प्योरिटी होगी? लास्ट नारायण में जब निश्चय होगा बाप के पार्ट का, सही सही पार्ट का, तब प्योरिटी आवेगी या उससे पहले ही प्योरिटी आ जाएगी? अभी तो आपने कहा लास्ट नारायण में प्योरिटी होती है। हाँ, लास्ट नारायण में प्योरिटी, लास्ट नारायण में पवित्रता कहाँ से आ जाएगी? कौन करता है प्रवेश? ब्रह्मा बाबा तो सभी बच्चों में प्रवेश करते हैं। एक ही दिन में अनेक बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। आपने कुछ दूसरा समझ लिया है? आगे आगे वो ये तो हुआ, एक बात दोबारा देखिए। हाँ, अच्छा दोबारा देखिए। अभी आज बात हुआ, बाबा ने बोला कि रिसेंटली सोलह तीन जीरो आठ का जीरो आठ का डिस्कशन में छत्तीस से हुआ, बाबा ने बोला छत्तीस से इंकार्नेशन हुआ और छिहत्तर में री इंकार्नेशन हुआ। तो बाबा और मामे मम्मा बाबा में प्योरिटी थी, मम्मा बाबा में फोर्टी सिक्स में जिंदा ही नहीं थे तो पवित्रता कहाँ से थी? गीता माता थी, माँ बाप दोनों क्यों बोल रहे हैं? हाँ जी, माने जिसमें गुड़ लपेटा जाता है गोथड़ी, माने जिसमें गुड़ रखा जाए। ब्रह्मा बाबा का शरीर है गोथड़ी और उसमें अंदर प्रवेश है गुड़ मीठा। शिव बाबा लेकिन थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए मुक्त होते हैं। कौन करेगा? बाप को प्रत्यक्ष करने वाले स्वदेशी होते हैं या विदेशी होते हैं तो कौन प्रत्यक्ष करेंगे? जो चार विदेशी बीज हैं वो मूल हैं, उनमें सबसे पावरफुल विदेशी कौन है? इस्लाम धर्म का बीज जरूर प्रत्यक्ष करेगा। और वसुदेव कहते हैं धन देने वाला शिव बाप, वसु माने धन और उससे पैदा हुआ वासुदेव, जैसे ब्राह्मण किसका बच्चा? ब्रह्मा।
उसमें एक मात्रा बढ़ गई ब्रह्मा में, ब्राह्मण। ऐसे ही वसुदेव एक मात्रा वसु में बढ़ाई तो हो गया वासुदेव, माने बच्चा हो गया। वसुदेव का बच्चा कृष्ण, ये रचयिता और रचना की नॉलेज हो गई। देव की उनकी युगल और नंदरा। अरे तो सुरक्षा कहाँ होती है? यादव कुल में सुरक्षा होती है या मथुरा में सुरक्षा होती है? यादव कुल का मुखिया दिखाया गया ना नंदराय को, प्रवेश करने का 5-6 महीना बाद स्थिति का प्रस्तुत होता है। इसका प्रूफ बिहार में 69 से 76 पर हमारा मिल चुका है, लेकिन 69 का पहले जो आत्मा प्रवेश करने का पहले जो सिंह होने का बात था, मैंने आत्मा का जो भाव होने का बात था, 69 का पहले जो परमात्मा जिसने प्रवेश किया था, जब उसके सिंह होने का प्रूफ है वो अभी तक हमारे कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन शरीर जिंदा नहीं था क्या? शरीर जिंदा नहीं था? हाँ थोड़ी से जिंदा था, कोई पिंड हुआ? शरीर है जिसमें ज्ञान नहीं है, चंचलता नहीं है, ज्ञान की चुरपुर ही नहीं है, उसको कहेंगे निर्जीव पिंड। और 76 में जब चुरपुर हो गई और वो भी खलास हो गई, बाक्या बाहर प्रत्यक्ष हो गया, माने जन्म हो गया। माताओं को ही चुरपुर का पता चलता है। जो नौला जो संदेश मिला था अभी में जो कलकत्ता क्यों नहीं मिला? वो कलकत्ता में शुरू हुआ था, ये कोई बात है? वो क्यों आया? कलकत्ता में ज्ञान का बीजारोपण होना है या भक्ति का बीजारोपण होना है? तुम्हें क्या चाहिए? तो खुश हो जाओ। पश्चिम वालों में ज्ञान ज्यादा होता है या पश्चिम वालों में भक्ति की अंधश्रद्धा ज्यादा होती है? तो उनके एक हिस्से में पड़ गई अंधश्रद्धा, तुम्हारे हिस्से में पड़ गई ज्ञान, ज्ञान की प्रारब्ध। जो भी सिंध हैदराबाद में मौजूद थे, सब जो भी बीज रूप थे, जो भी बीज रूप से जन्म लेने वाले आधार मूत थे, उन सबको संदेश मिला ना। साक्षात्कार की बात तो अखबारों में फैल गई, सिंध हैदराबाद में एक जौहरी आया है, कहता है कि हमको 16108 चाहिए, 400 मिली है। वो संदेश तो सिंध हैदराबाद से अमेरिका के अखबारों में भी पड़ गया। अरे जो पहला ब्राह्मण सो पहला शूद्र भी बनता है, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला वैश्य, पहला वैश्य सो पहला शूद्र। तो ज्ञान पहले कौन लेगा? ब्राह्मण कौन पहले बनेगा शूद्र से?
शूद्र से पहले ज्ञानी कौन बनेगा? शूद्रों के बीच में जो पहला शूद्र होगा वो ही पहले ज्ञानी तू आत्मा ब्राह्मण बनेगा। वो तो बाद की बात है, बाद की मतलब हम बोल रहे हैं वो बाद में शूद्र बने हैं। आदि में बाद की बात है, माने कृष्ण बच्चा पैदा पहले होता है या कृष्ण बच्चे की पैदाइश से भी पहले उनके घर वाले पैदा होते हैं? अरे पहले बच्चे का जन्म होता है या बच्चे के घर वालों का जन्म होता है पहले? ये संदेश जो ज्ञान पल मिला था साक्षात्कारों का, वो साक्षात्कारों का ज्ञान पहले पहले उन आठ को मिल चुका था, उनके अंदर पहले बीज पड़ता है और वो ही उस ज्ञान को उठाते हैं। जो 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 राम बाप के ज्यादा नजदीकी हैं पहले से वो उठाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले माँ बाप की आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी या पहले बच्चों की आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी? पहले तो माँ बाप का परिवार प्रत्यक्ष हो, तो माँ बाप का परिवार है 4.5 लाख का, परंतु उसमें नंबर वार है तो बच्चों में भी नंबर वार है। सोना सच्चा होता है उसमें तो कोई गंध होता ही नहीं है, बाद में गंध कहाँ से आता है? डाला जाता है कि बिना डाले आ जाता है? तो ऐसे ही परमधाम से आत्माएं जो आती हैं वो आत्माएं कम पावर वाली होती हैं, कम जन्म लेने वाली होती हैं या पावरफुल आत्माएं आती हैं? कमजोर आत्माएं आती हैं, उनके संग के रंग से सोना उतर जाता है, ऊपर वाले भी नीचे हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले से ऊपर से उतरने वालों की संख्या कई गुनी ज्यादा होती है, संघ का रंग लग जाता है। तुम्हारे संगम युग में कोई बच्चों के लिए सं76 में ही शिव प्रत्यक्ष हो जाता है, वो माघ मास कहें या फागुन कहें? हैं? सं76 में कुछ बच्चों के लिए प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? उनके लिए कौन सा महीना कहें? माघ कहें, जब ज्यादा ठंडी पड़ती है, सब का पुरुषार्थ ठंडा हुआ होता है, तब थोड़े से बच्चे होते हैं वो पुरुषार्थ में जागृत हो जाते हैं। जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तो सर्दियों के दिनों में ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ होता है, या गर्मी में जब पसीना पसीना हो जाता है तो सवेरे को अच्छा पुरुषार्थ होने के लिए जगना हो जाता है? ठंडी में पुरुषार्थ ज्यादा अच्छा होता है, ठंडी में रजाई में घुस जाते हैं। तो माघ मास में थोड़े बच्चे निकलते हैं जिनके लिए शिवरात्रि हो जाती है, जिनकी बुद्धि में आ जाता है कि शिव धरा पर आ गया, वर्षा देने वाला बाप टीचर सदगुरु आ गया। फिर बाद में जब वर्ष का अंत होता है, पढ़ाई की पूर्ति होती है, फाइनल पेपर होने वाला होता है, तो फाल्गुन मास में भी बहुत से हैं जो मनाते हैं, उनकी भी बुद्धि में बैठ जाता है
कि बाप आया हुआ है, जागरण का समय हो गया, जागो। और पंखा बंद कर दो, सुनाई नहीं पड़ रहा, इसकी आवाज ज्यादा आ रही है। अरे जब दुनिया शांत होता है तो सब गया कि ना गया, तो पिंड कब छूटेगा इस दुनिया से? जब सबकी बुद्धि परम धाम में गया। हाँ जी। और रात्रि कहते हैं कि दिन नहीं कहते हैं? हाँ, वो रात्रि में आता है कि दिन में आता है? अरे छोटी छोटी बातें पूछना शुरू कर दे। और है अहिल्या को भी साप मिला। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम, गौ माने इंद्रिया और तम माने श्रेष्ठतम। जिन्होंने इंद्रियों को, जिन्होंने इंद्रियों का सबसे जास्ती सुख भोगा। कौन सा धर्म है जो इंद्रियों का सबसे जास्ती सुख भोगता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का बीज कौन हुआ? गौतम। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या। अहि माने सांप, लेया माने ले आई। किसको ले आई? सांप को ले आई। उस अहिल्या का कनेक्शन उस सांप से हो गया तो लगाव लग गया, इसका भी कल्याण हो जाए, इसको भी बाबा के सामने ले जाएं। मेरे सुनाने से तो ये मानता नहीं, तो बाबा के सामने ले जाऊं तो इसका भी कल्याण हो जाए। लेकिन ये भूल गई कि मुरली में क्या बोला है। क्या बोला है? मेरी सभा में कोई भिखारी को लेकर नहीं आना है। तो अहिल्या इंद्र को लेकर के पहुंच गई, तो दोनों को साप मिल गया। अहिल्या को साप मिला, जा पत्थर बन जा। पत्थर बनती है कोई औरत? पत्थर बुद्धि बन गई। उसकी बुद्धि में इतना श्रेष्ठ एडवांस ज्ञान जो डायरेक्ट बाप आकर के देते हैं, वो ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं बैठता। ना उसकी बुद्धि में बैठता है, ना दूसरों को बैठने देती है। तो हो गई अहिल्या पत्थर बुद्धि। और इंद्र को साप मिला। क्या इंद्र को भी साप मिला कि हजारों हजार योनियां तुम्हारे शरीर में चिपक जाएं। तो चारों तरफ से हजारों हजार स्त्रियां उनको जैसे चिपकने लगी। बातें कहां की हैं? इंद्र कौन है? हैं? बाप? आप है वो? आप? वो अपने को ही इंद्र कह रहा है। हाँ, और इंद्र ज्ञान की बरसात बरसाता है और ज्ञान के ऊपर अधपत्ति रहता है कुबेर का। तो ईश्वर के साथ कौन रहेंगे? एक ओर इंद्र रहेगा, दूसरी ओर कुबेर रहेगा। ईश्वर होता है ईशान कोण में, आजू बाजू के हो गए इंद्र और कुबेर।
बात का जवाब नहीं मिला, कौन बोल रहा? अरे इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। दुनिया की हर बात पहले तेरे ऊपर लागू होती है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी और कोई याद नहीं आ सकता। बेदारी बड़े से बड़ा देवता कौन है आठ देवताओं में जिसे महादेव कहा जाता है, है? कौन पूछ रहा है, है? बहुत दूर चला गया, लास्ट वाले देवता ही नजदीक है क्या? इंद्र माने राजा, इंद्र माने इंद्रियों को जीतने वाला। और फिर इंद्र सहस्त्र रत्न कैसे बोला? सहस्त्र रत्न वो ही आँखें हैं। स्त्री जाति ही आधार बनती है ज्ञान का, वो ही असली आँखें हैं जिनसे ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान सफल होता है। पुरुष ज्ञान देंगे तो सफल नहीं होगा। वो ही हजार आँखें हैं, वो ही हजार भुजाएं हैं। कहते हैं भगवान को हजार आँखें हैं, सच्चा पोता मिल कौन देंगे? जो सच्चा पोता मेल देते हैं अपना और दूसरों का, जो भी आंखों से देखा वो सच्चा सच्चा बाप को बता दिया तो हजार आंखें हुई ना। और जो नजदीकी आदमी होता है वो सच्ची बात बता सकता है या जो दूर दूर रहता है वो सच्ची बात बताएगा, है? तो फिर वो हजार आंखें हुई कि नहीं? जो भी बाबा को कौन लेके आए? बाबा को कान है? ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला, प्रत्यक्ष होते हैं ये नहीं बोला। पहले पहले उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान को पहले धारण करते हैं। हाँ जी अष्टदेव, और पहले बाप के नजदीक पहुंच जाते हैं। बाकी जो त्रिदेव हैं उनमें तो एक मुखिया है ही है, बाकी जो दो हैं वो मेरे नजदीक रहते हुए भी मेरे को नहीं पहचान पाते। एक साथ के लिए विराट राधा में डॉक्टर को ज्ञान देने के काम के लिए अंदर में घूम गया छोटी एक साल के लिए बता विराट कर क्या अम्बा अंबिका और अम्बालिका ये तीन देवियां मुख्य हैं। अम्बा माने जगदम्बा, अंबिका माने पार्वती, अम्बालिका माने ओम राधे मम्मा, सरस्वती ओम राधे मम्मा, अंबिका पार्वती और अम्बालिका माना सतयुग में जो राधा बनने वाली है, अम्बा की बालिका। अम्बालिका माने अम्ब की बालिका, कौन? सतयुग की राधे ओम राधे। ये तीन देवियां हैं,
उनमें से अम्बा की ये कहानी है, तो उसको जो देहधारी गुरु हैं, सन्यासी हैं, उन सन्यासियों के ऊपर क्रोध आ जाता है। तो वो प्रतिज्ञा लेती है कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। जब तुम्हारा मरना होगा तो कारण मैं बनूंगी, मेरे सिवाय और तुम्हारी मृत्यु का कोई कारण नहीं बन सकता, चाहे इसके लिए मुझे जन्म के ऊपर जन्म क्यों न लेने पड़े। तो वो ही अंतिम जन्म में जाकर के शिकंजे बनती है। ब्रह्मनला का मतलब है चोला, तो भले स्त्री का हो लेकिन भाव स्वभाव संस्कार से पुरुष होती है, कठोर स्वभाव की। इतना कठोर स्वभाव होता है कि सिवाय एक के या सामने और किसी के सामने झुकने वाला नहीं। इसलिए बेहद का बाप कहते हैं कि रुद्रमाला में जो ऊपर के दो मणके हैं, पहला मणका भी उतने ही नजदीक है जितना लास्ट का मणका, उसमें क्या शिष्ट है। कि दोनों ही मणके किसी और से प्रभावित होने वाले नहीं है जितना बाप से प्रभावित होते हैं, बाप की बात मानते हैं। जब लास्ट से प्रेम करेगा तो उसका पहले तो हम मतलब सभी सब कुछ समेट लेना है। कोई समेट पाएंगे, कोई नहीं समेट पाएंगे, कोई को समेटते समेटते ही देर हो जाएगी, कोई अभी से समेटना शुरू कर दिया है, कोई इंतजार कर रहे हैं कि हमारा तो सारा समेटा जा चुका है, जल्दी तैयार जल्दी शुरुआत हो जाए। हाँ तो बैग बैगेज है, इसका रूप तो देहात में भी होता है, भाग में भी होता है। बैग एंड बैगेज क्या है, जो बुद्धि में भरा पड़ा है वो सब बैग एंड बैगेज है। जो इन आँखों से दिखाई देता है वो सब क्या है, सब बैग एंड बैगेज है जो विनाश को पाना है। इसमें बुद्धि जो फैली हुई है अपनी देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में, देह की मलकियत में, उस सब से बुद्धियों को हटा करके एक बाप में बुद्धि इकट्ठी कर जाए, कर ली जाए, माना बैग एंड बैगेज इकट्ठा हो गया, जब चाहे एक सेकंड में निराकारी स्टेज बन जाए और जितनी देर चाहे उतनी देर बना सके, माया बुद्धियों को तोड़ न सके। माना बैग एंड बैगेज तैयार हो गया, और उस समय तो पैसा कोई काम के नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बचा के रख लेने में क्या हर्ज है। ट्रेन में जाने के समय तो कुछ चीज लगेगा बाबा, हैं? ट्रेन में जाने के समय, अरे तो बैंक बैलेंस पहले से बचा के रख लो पहले से। जैसे बटुआ जेब में रखा जाता है हर समय, कहीं बाहर जाते हैं तो भी बटुआ जेब में पड़ा रहता है ना, कहीं टिकट लेना पड़े एट रैंडम। हाँ जी, ट्रेन में जाने के समय साइट सीन दुनिया में क्या हो, सारा बैग एंड बैगेज जो बिखरा हुआ पड़ा है वो साइट सीन ही तो है, लेकिन देखिए लगता नहीं है रोबा है, देखिए लगता नहीं है। क्या नहीं लगता है, ये दुनिया इतना जल्दी चला जाएगा, देखिए लगता नहीं है। नहीं नहीं, अभी तो 40,000 साल पड़े हैं। ये
काहे का दाम देना है? दान काहे का देना है? अरे बेकारों का ही तो दान देना है, तो बताने में इतनी देर क्यों लगाते? बेकारों का दान देना है और बेकारी सुख भोगा है प्रकृति के पांच तत्वों से, जिन प्रकृति के पांच तत्वों से ये शरीर बने हैं, शरीरों से ही विकार भोगे हैं। तो मूल विकारी सुख देने का आधार कौन हुआ? विकारी मनुष्यों ने विकारी सुख भोगे, लेकिन विकारों का आधार हुई प्रकृति और प्रकृति को पल्यूट किया है मनुष्य ने। देवताओं ने पल्यूट नहीं किया, वो अभ्यभिचारी थे। मनुष्यों ने क्या किया? व्यभिचार किया प्रकृति के साथ। तो जिसके साथ व्यभिचार किया है, विकारों का भोग किया है अन्याय पूर्वक, तो उसको दान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? है देना पड़ेगा। इस समय प्रकृति का साकार रूप कौन है? जगदम्बा। उसको जन्म जन्मांतर मनुष्यों ने पलूट किया है। बीज रूप आत्माओं ने गंदी दृष्टि लगाई है, उनको ही दान देना पड़े, माता के रूप में देखना पड़े, प्रैक्टिकल धारणा करनी पड़े कि ये मेरी माँ है, पूजनीय है। और माँ एक होती है और उसकी उंगलियां और हथेलियां अलग होती हैं। जगदम्बा अकेली है या उसके साथ उसकी उंगलियां, उसकी हथेलियां, उसकी बाहें भी हैं? वो भी हैं। माने जो भी कन्याएं माताएं हैं वो सब किसकी भुजाएं हो गई? एडवांस पार्टी में सारी कन्याएं माताएं जगदम्बा की भुजाएं हैं। उनके प्रति जब तक मातृभाव नहीं आता है, क्योंकि भाई बहन के संबंध में भी माया आ जाती है, जब तक ये मातृभाव पैदा नहीं होता है एक एक कन्या माता के प्रति, तब तक समझा जाएगा कि दान नहीं दिया विकारों का। निराकारी के स्टेज का मतलब है कोई साकार भाव ना आए, कोई साकार चीज याद ना आए, कोई साकार देह याद ना आए, अपनी देह की कोई कर्मेंद्रियां याद ना आए, इन आँखों से दुनिया की जो भी साकार वस्तुएं देखते हैं, आज देखते हैं, आज उनमें बुद्धि जाती है, ममत्व जाता है, आकर्षण जाता है, कल ये सब खलास हो जाएंगे। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब है साकारी, और जो तीसरे नेत्र से देखते हैं वो है निराकारी। और देना और सर्च लाइट, शिव बाबा की याद में दी जाती है। और वाइब्रेशन तो कोई भी आत्मा दे सकती है, जैसा उसका वाइब्रेशन होगा वैसा उसका असर पड़ेगा। हमने तो बोला बाप की याद में रहकर कोई भी आत्मा को सर्च लाइट देंगे तो समय सफल होगा।
आपको जाना कहाँ है? पहले तो ये फैसला करो हमें कहाँ जाना है, आप कहाँ जाना है? अरे बाथरूम जाना है, कहाँ जाना है? हैं? हाँ तो पूछते काहे के लिए, माउंट आबू जाना है, अभी जाना है या जब बाप जावेगा तब जावेंगे? अभी जावेंगे तो उन्होंने हथियार तैयार करके रखे हैं। हाँ गुप्त रूप में जा सकते हैं, है गुप्त रूप में सारी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, गुप्त पांडव बन करके है। कौन? और भीमसेन बन के जाने की जरूरत क्या है? हनुमान की तरह छोटा मच्छर बन के जाओ ना। लोग जब आता मुँह से निकल जाएगा, इसका मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। सकल में है। अरे तो मुँह के ऊपर कंट्रोल नहीं है बाबा का बदनाम सुनने का है? बाबा तो कोई बदनाम करेगा तो सुन नहीं सकेगा। बाबा का बदनाम करेगा तो चिपक जाती है बदनामी। कोई ग्लानी करता है ग्लानी चिपक जाती है, कोई गाली देता है गाली चिपक जाती है, दे अभिमानियों को चिपक जाती है आत्मा अभिमानियों को है? कोई बदनाम करता है बाप को या हमको तो वो बदनामी आत्मा को चिपकती है या दे अभिमानी को चिपकती है? तो जरूरी है दे अभिमानी बनना, क्यों कभी कभी होने दे, अलर्ट हो जाए तब जाए। नहीं हुआ तो माउंट आबू मत जाओ फिर। आप तो जब भी जाएंगे तो होना तो पड़ेगा ना। मरेंगे तभी तो शमशान घाट में जावेंगे, कि मरने से पहले ही शमशान घाट में जाकर क्रियाकंड क्रिया में खड़े हो जावेंगे। जाने को तो अभी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, एडवांस में पांडव भवन भी बना हुआ है, 5-7 पांडव वहाँ कमाई भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, माताओं को भी परमिशन मिली हुई है जो मैच्योर्ड उम्र की माताएं हैं जिनके थोड़े थोड़े बाल सफेद होने लगे हैं, बुजुर्ग माताएं हैं वो वहाँ जाके सेवा कर सकती हैं, बड़ा शक्ति भवन बना हुआ है। लेकिन अपनी अवस्था देख करके जाए, नहीं तो वहाँ तो दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं। जीते जी मरना सिखाया है बाप ने या ऐसे ही मरना सिखाया है? तो जीते जी मरने वाले सेवा नहीं होगी। जीते जी मरेंगे तभी तो सेवा होगी। आप मुए मर गई दुनिया सन 76 में कैसे दुनिया मरी थी? 76 में दुनिया का विनाश हुआ था कि नहीं हुआ था? किसके लिए? कोई के लिए विनाश हुआ था ना, तो मरा हुआ मर गया था तब विनाश हुआ था कि जिंदा रहा था देह अभिमान में तब विनाश हुआ था? अभी भी जो मरते जाते हैं उनके लिए दुनिया खलास हो गई, उनके लिए नई दुनिया जैसे फाउंडेशन पड़ रहा है दिखाई दे रहा है। काली के माया में है काली काली माता माया हाथ में पार्वती का है, वो डायन हाथ में हो सकता है कि माया में ठीक है। जो भी शस्त्र बाएं में दिखाए हैं या दाएं में दिखाए, बाएं शस्त्रों में जो दिखाए गए हैं
उनसे तो कल्याण ही कल्याण होना है। कल्याण की न बाएं में बात है न दाएं में बात है। एक आदमी तो मुंड दिखाया, जो मुंड काट लिया वो आत्मा की निशानी है या देवहन की निशानी? तो जब किसी का सर काटा जाता है तो सर को दाएं हाथ से पकड़ा जाता है और तलवार को बाएं हाथ से पकड़ा जाता है या कैसे पकड़ा जाता है? बाएं हाथ से सर पकड़ेंगे, राक्षसी सर है ना, कहीं इधर उधर ना भाग जाए, और दाएं हाथ से तलवार चला के काट देंगे। देह अभिमान खलास, देह अभिमान नीचे गिरेगा जाके, और आत्मा हाथ में आ जाएगी, मुंडमाल बनेगी। याद कर लो कैसे कैसे बनना है। जब दुर्योधन को ये पता चल गया कि भीम ने ये प्रतिज्ञा ली है, दुशासन को ये पता चल गया कि भीम ने ये प्रतिज्ञा ली है, और जयद्रथ को जब पता चल गया कि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली है, तो उनको कौन दिखाई पड़ता था? कौन दिखाई पड़ता था? अरे किसका चेहरा दिखाई पड़ता था? और कोई ध्यान बुद्धि में नहीं आता था। हाँ, अभी शिव बाबा को याद करने का टाइम है या देहधारी को याद करने का टाइम है? किसके रूप स्वरूप का मन चिंतन मंथन करना है? हे प्रभु, बाबा जब एक में ही बुद्धि टिक जाएगी हाँ, तो पत्ते पत्ते में तो पानी देने का कोई जरूरत नहीं। इसको दुनिया जानती है, ज्ञानी लोग भी जानते हैं, पत्तों को पानी देने से पेड़ सब्ज सरसब्ज होता है या बीज को पानी देने से सरसब्ज होता है? तो पूछने की बात भी नहीं है। जिसका जिससे लगाव आता होगा उसके लिए सर्च लाइट देने की बात भी आती होगी। जिसकी कोई लगाव ही नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं है, वो स्पेशल किसी एक को सर्च लाइट देने की बात बुद्धि में क्यों घुमाएगा? वो एकलव्य बन के रहेगा या 2, 4, 8, 10, 20, 50 लव्य बन के रहेगा? सारे झाड़ को ऑटोमेटिक पानी मिल जाएगा। अविनाशी है वो, अनादि भी है, अनादि है तो अनंत भी है, रचने का सवाल ही नहीं। तो आदि और अनादि काल का हुआ, और ये भी बोला है कि अमृत काल आदि काल है। आदि काल में बोले जा पूरी लगातार बोले जाता है, अमृत काल अधिकाल है, अमृत काल अभी अधिकाल हो गया, लेकिन ये गॉड ने अधिकाल था। सृष्टि में अधिकाल कौन सा है, अनाधिकाल कौन सा है, और अंतकाल कौन सा है? तो सृष्टि का अंतकाल होता है,
है, बेटी का चक्र तो लगातार चलता ही रहता है। क्या अंत समय माने संपूर्णता जब होगी, तब जब संपूर्णता होगी, आत्मा की संपूर्णता होगी कि नहीं, आत्मा सोलह कला संपूर्ण बनने का टाइम होगा या नहीं, तो वो ही अंतकाल है। अनादिकाल वो है जब आत्मा परम धाम में पड़ी हुई है, तो अनादिकाल है। वो अनादि है, माने ये सृष्टि अनादि है। अनादि जो है वो सृष्टि रूप बदलती है, उसकी रचना नहीं होती है, सिर्फ रूप बदलती है। सतयुग में से कलयुग आता है और कलयुग में से बदल कर सतयुग आता है, बाकी सृष्टि खत्म नहीं होती। हद का तुलसीदास और बेहद का तुलसीदास एक ही है या अलग अलग है? पार्ट हद के तुलसीदास का, हद के राम का और बेहद के राम का पार्ट एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। ऐसे ही मीरा भी वही है, वही आत्मा कलयुग के अंत में बेहद की मीरा बनती है। वो हद का विष पीती है, कौन? हद की मीरा। और बेहद की मीरा बेहद का विष पीती है। तुम सब मीराएं हो, तुम सब मीराएं हो, अपने पार्ट को ही भूल ही हुई। हर मकान में उसका पेटी रखता है, रोज सुबह पानी डालता है। हर मकान में कहाँ रखते हैं? क्रिश्चियन लोग अपने मकान में रखते हैं क्या? नहीं, बंगाल में तो ज्यादा रखते हैं। हाँ तो ये कहो, बंगाल में हर मकान में रखते हैं? हर मोने का बात भी हो, आंखों में दूसरी का बता देते हैं। हाँ, सर माथे पर रखते हैं, जब उसके सच्चे पार्ट को पहचान लेते हैं तब। गलत फहमी भरी हुई है तो घृणा करते हैं, सच्चाई जब प्रत्यक्ष होती है तो सर आंखों पर रखते हैं। पानी ज्ञान जल पड़े बगैर कुछ होता है क्या? अरे इतना जोर से तो बोलो जो आवाज है। तो हाँ, रात गवाई सोए के, भगवान रात में आता है या दिन में आता है? हाँ? रात में आता है। अभी अज्ञान अंधेरी रात सारी दुनिया में फैल रही है, घोर अज्ञान अंधेरी रात है, रात के 12 बज रहे हैं, सब अज्ञान की नींद में सोए रहे हैं। अब बाप जगाए रहे हैं, तूने रात गंवाई सोए के, खूब डट के अमृत वेला गंवाए रहे, दिवस गंवाया खाए के। जो सतयुग त्रेता है देवताएं वहाँ खाते पीते मौज उड़ाते हैं या कुछ पुरुषार्थ करते हैं? खाते पीते हैं, मौज उड़ाते हैं, खूब भोग भोगते हैं शरीर से। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। और मनुआ जीवन अमोल है, हे मनुष्य, मनु की औलाद, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में होती है या सिर्फ संगम युग में होती है? संगम युग में मनुआ है, मनु की औलाद। हे मनुआ, हे मनुष्य, ये अमोलक जीवन है जो ईश्वर बाप से तुमको मिला हुआ है। कौड़ी के पीछे क्यों बुद्धि लगा रहे हैं? क्या सुबह से शाम तक स्त्री चोला है तो अपने चोले का ही
भान रहता है, अहंकार रहता है, कितना सुंदर मेरा चोरा है, कितने फिदा होने वाले हैं। पुरुष चोला है तो कौड़ी ही याद आती है सुबह से शाम तक, क्योंकि 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है। तो मनुआ जीवन अमोल है, कौड़ी बदले जाए रे। ये मनुष्य जीवन कौड़ी में बुद्धि लगाने के बदले नष्ट हो रहा है, ये समझ नहीं पाए अभी तक। मुरली सुनते सुनते 70 हो गए, ये वाक्य कितनी बार आया होगा, ढेरों बार आया। नो इविल। कोई गंदी गंदी बातें सुनाता है तो ईविल बात हुई, अच्छी बात हुई। कोई दूसरे की ग्लानी सुना रहा है, परचिंतन की बातें सुना रहा है तो ग्लानी हुई, ईविल बातें हुई, अच्छी बातें हुई। तो हियर नो ईविल, गुरु की निंदा सुनाई रहा है, अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई, तो हियर नो ईविल। कानों से बुरी बात मत सुनो। अब वो सुना रहा है तो सुनेंगे कैसे नहीं, जब कोई सुना रहा है लाउड स्पीकर जोर जोर से चिल्ला रहा है चौराहे पर, तो कान में आवाज पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लेकिन उसका परिहार ये है, अगर कान में पड़ भी गया तो ध्यान मत देनो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। इतनी ताकत नहीं है एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की, तो बाप को लिख करके दे दो कि ये हमको ऐसी बात सुना रहा था, तो कान क्लियर हो जाएंगे। हियर नो ईविल है, वो ताकत हो तब ना। सुनते हुए न सुनने की पावर, जो सुप्रीम सोल बाप आता है वो करके दिखाता है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है ग्लानी करने वाली, पतित पावन बाप को ही गाली देते हैं। जो सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला है उसको ही शैतान कहने लग पड़ते हैं। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, क्योंकि असलियत जानता है कि आखिरी असलियत क्या है, जो संसार में सर पर चढ़ करके सच्चाई बोलेगी। तो सच्चाई ऐसी चीज है कितनी भी दबाई जाए लेकिन दब नहीं सकती। तो हियर नो ईविल, सुनते हुए न सुनो, ऊंची स्टेज है। कुंडे माने बुद्धि, हरेक की बुद्धि में अपनी अपनी अकल भरी हुई है, अपनी अपनी मतें हैं। एक व्यक्ति एक बात का एक अर्थ बताएगा, दूसरा दूसरा अर्थ बताएगा, तीसरा तीसरा अर्थ बताएगा, चौथा चौथा अर्थ बताएगा। तुंडे तुंडे मत भिन्ना, हरेक की बुद्धि अपने अपने प्रकार की है, एक की बुद्धि न मिले दूसरे की। रोग 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 रोग
नारी या शरीर का भोग वो पूर्व जन्म का प्रतिफल है या इस जन्म में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका प्रतिफल है। तो पूर्व जन्मों का भोग भगवान भोगेगा? भगवान को लिख करके देने से कोई खत्म हो जाएगा क्या? वो कोई पोता मेल है। इसलिए बोला है मुरली में, बीमारी आती है जाओ डॉक्टर के पास, भूत प्रेत आता है जाओ औलियों के पास, इसमें मैं क्या करूँगा? तुम्हारा अपना कर्म भोग, तुमने पूर्व जन्म में अपने आप अपने कर्मों से उसके साथ संबंध जोड़ा, हिसाब किताब बनाया, हिसाब किताब एक एक 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप काटेगा? कोई बताने से कम होने वाला नहीं है। हाँ, कोई पोता मेल बन गया इस जीवन में ज्ञान में आने के बाद या ज्ञान में आने से पहले भी, तो बहुत सच्चाई से बाप को बताया जा सकता है। आधा माफ होगा उसमें भी, वो भी पहली बार बताएंगे तो आधा माफ होगा। चूली से कांटा बन जाएगा, चूली से कांटा बन जाएगा का मतलब आधा माफ हो जाएगा, आधा याद के बल से खत्म करते रहो। बाकी ऐसे नहीं बार बार वही गलती करना, बार बार बताते रहना, तो फिर आधा ही माफ होता रहेगा क्या? मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, इंटरेस्ट चढ़ेगा कि नहीं? इंटरेस्ट नहीं चढ़ता है। Thank you.